हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइस, काफी टाइम बाद आज मैं ब्लॉग शूट के लिए आई हूँ। एक्चुअली बीच में होली के बाद मेरा तबीयत खराब था एंड ऐसा है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या कंटेंट डालना है। तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट डाली थी, तो बहुत सारे लोग बोले थे कि मैम FE2 आर्केड मॉल में जो पिज्जा का स्टोर ओपन हुआ है डोमिनोज पिज्जा का, प्लीज उसका रिव्यू कीजिए। तो आज ऐसे भी ब्रंच का टाइम हो चुका है, इट्स 11:55 राइट नाउ एंड मैं आई थी वहाँ शूट के लिए। ऑलमोस्ट बहुत सारे कंटेंट मैं शूट कर चुकी हूँ, तो आई थॉट कि चलो मैं एक बार डोमिनोज से पिज्जा खा लेती हूँ एंड आप लोगों को रिव्यू भी दे देती हूँ कैसा क्या है। इनफैक्ट मैं गई भी नहीं हूँ, ना ही मैं ऑनलाइन ऑर्डर करके खाई हूँ, तो एक बार रिव्यू करना तो बनता ही है। तो चलिए अभी अंदर चलते, जस्ट ग्राउंड फ्लोर में आप लोग एंटर करते हो साथ, आई गेस लेफ्ट साइड में ही है। तो चलिए आज के ब्लॉग में बने रही, मैं आप लोगों को डिटेल दिखाती हूँ। जी, एंट्रेंस FE2 आर्केड मॉल का, और अभी बहुत कम लोग आए क्योंकि टाइम ब्रंच का टाइम ही हो रहा है। बस शाम को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इनफेक्ट यहाँ पे बहुत सुंदर डेकोरेट भी हो रखा है, फोटोज़ वगैरह भी बहुत अच्छी आती है। तो अपन चलते, चलिए अंदर पिज्ज़ा खाने के लिए। ऐसे एंटर करने के बाद ये ग्राउंड फ्लोर एंड यहाँ पे है डोमिनोज पिज्ज़ा। चलिए अंदर चलते हैं। बस फाइनली मैं अंदर आ गई हूँ और यहाँ पे आप लोगों को डाइनिंग एरिया मिल जाएंगे बैठने के लिए, और यहाँ पे सुंदर सुंदर कोटेशंस लिखे हुए हैं, और यहाँ पे आप लोग अपना फूड ऑर्डर कर सकते हो। ये रहा मेन्यू, तो देखते हैं मेन्यू में क्या क्या है। वेज, आज मंडे है तो मैं कुछ वेज ही ट्राई करूँगी, वेजी पैराडाइज फार्म हाउस देख ले रहे हैं। यहाँ पे भी आपको बहुत ब्रिटिश सा कॉर्नर मिल जाएगा बैठने के लिए। मुझे इस साइड का जो कॉर्नर है ये बहुत सुंदर लगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसे जो नियॉन लाइट्स में सुंदर सुंदर बनाया हुआ है। चलो यहाँ पे बैठते हैं, फिर फूड कुछ ऑर्डर करते हैं। जी, जो पीछे का बैकग्राउंड है कितना सुंदर है ना, तभी ये मैं प्लेस चूज किया एंड मैं काफ़ी टाइम बाद आज आई हूँ लाइक पिज्ज़ा बर्गर कुछ ट्राई करने के लिए। रिसेंटली मैं खाई थी बर्गर, बिगेस्ट बर्गर का, बट यहाँ का जो डोमिनोज का पिज्ज़ा मैं ट्राई नहीं की, तो मैं सोच रही हूँ पहले क्या ऑर्डर करूँ, क्योंकि मैं थोड़ा फूड में भी काफ़ी ज़्यादा चूजी हूँ। इनफैक्ट मुझे थोड़ा सा शॉपिंग पे भी जाना था, तो यहाँ पे देखते ट्रेंड्स में कुछ अगर होगा कपड़े वपड़े देख लेंगे। तो चलिए पहले मैं ऑर्डर देती हूँ, फिर आप लोग मेरे साथ चलना थोड़ा सा शॉपिंग पे, फिर जैसे फूड आएगा मैं ट्राई करके आप लोगों को दूंगी रिव्यू। अपने ऑर्डर की ये चीज़ कॉर्न पिज़्ज़ा मीडियम, जो कि 385 का है। तो अभी वेट करते हैं, अच्छे लोग हम चलते शॉपिंग पे। पिज़्ज़ा ऑर्डर दे के मैं फ्रेशली, मेरे को वेजिटेबल्स लेना था, मेरे लिए फ्रूट्स भी लेना था। सब फ्रूट्स यही पे, आप लोगों को जो भी चाहिए यही पे मिल जाएगा, क्योंकि देखो लंबी है यहाँ पे, और मस्क मेलन भी है, कैबेज भी है, ग्रीन एप्पल भी है, चेरी टोमेटो। सो प्रिटी एंड यहाँ पे वाटरमेलन भी है। ओके, है चिया सीड लेना था, फिनाइल लेना था, बहुत कुछ लेना था घर के लिए। देखते हैं ग्रीन टी सामने, ग्रीन टी, ग्रीन टी, ये एक मिला तो लेट्स गिव इट अ ट्राई। चिया सीड अब ढूंढते हैं यार, आप लोग भी मेरे साथ घूम ही लो फ्रेशली। ये मखाना मुझे एक बहुत पसंद है। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे और फूड्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। अच्छा, लो मेरा पिज्ज़ा आई गेस हो गया होगा, इतना पैक करके फिर चलते हैं अपन। फाइनली मेरी पिज्ज़ा भी आ गई थी, मेरी शॉपिंग भी हो गई, तो चले अभी फटाफट मैं ट्राई करती हूँ एंड आप लोगों को देती हूँ रिव्यू। ट्राई करके कैसा लगा टेस्ट। बेस ठीक ठाक है एंड मुझे कॉर्न पसंद है, दैट्स व्हाई आई ऑर्डर गोल्डन चीज कॉर्न पिज्ज़ा। ठीक ठाक लग रहा है, बट मुझे गिल्ट हो रहा है खाते खाते, क्योंकि मुझे खाना नहीं है, पैक करा के लेके जाना है। स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना है, पिज्ज़ा खाओ, ग्रीन टी पियो, बैलेंस। एक तो खा ही सकते हो नहीं, अच्छा फ्रेश फील हो रहा है। बेस भी बहुत सॉफ्ट है, आई गेस पार्सल पहुँचते पहुँचते पता नहीं क्या होता होगा घर पे, बट अभी करेंटली मैं तुरंत ऑर्डर करके खा रही, तो बेस बहुत सॉफ्ट है। एमिरेट्स ये है छोटा सा वॉश मशीन, आप लोग यहाँ पे खाने के बाद हाथ धो सकते हो। तो गाइस, मैं अपना ब्रंच जो है कम्प्लीट कर चुकी हूँ एंड पिज्ज़ा बहुत टेस्टी था, लाइक आप लोग बना के डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। इसका बेस बहुत
सॉफ्ट था एंड जो कॉर्न था वो बहुत ही फ्रेश था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बस थोड़ा सा स्पेशियस कम है क्योंकि अभी स्टार्टअप है, तो प्रोबेबली अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली ये भी बहुत बड़ा हो जाएगा स्पेस। और ये ग्राउंड फ्लोर पर हम आप लोगों को तो लोकेशन दिखा दी, तो चलिए आज के ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मैं आप लोगों के लिए और कौन सा वीडियो बनाऊँ, कौन सा जगह एक्सप्लोर करूँ, और या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो या गैस। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।